हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मैन शर्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैं डायरेक्ट काटने जा रहा हूँ। इसे बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से करते हुए समझिएगा कि मैं किस किस तरह से इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कि ये सीधी लाइन जो है ये आपके सामने ये इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने लाइन डाल दी है। लाइन डालने के बाद में अब मैं यहाँ से फिर ये सेट स्क्वायर उठाता हूँ। सेट स्क्वायर लेने के बाद में मैं एक ये लाइन लगाता हूँ। ये देखिए ये मैंने लाइन लगा ली है। ये लाइन लगाने के बाद में अब मैं यहाँ से इसको जो है ये हमारा जितना नेक विड्थ हमको चाहिए मैं ये 40 साइज में 40 साइज के अंदर बना रहा हूँ। तो 40 साइज के हिसाब से मैंने ये नेक विड्थ जो है इसका 8 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने ये नेक विड्थ ले लिया है। और ये मैंने इसका जो है शोल्डर जो है ये मैंने शोल्डर का निशान जो है ये मैंने 46 सेंटीमीटर पे इस समय रखा है जो कि ये मेरा लगभग 44 सेंटीमीटर मेरा रेडी आएगा इस तरह से। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि ये मैंने एक सवा इंच का मैंने इसके अंदर शोल्डर फॉरवर्ड रखा है। ये निशान देख रहे हैं आप यहाँ पर जो मैंने लगाया है ये मेरा सीम अलाउंस है। और यहीं से मैं जब इसको ये देखता हूँ तो मैं ये 3 सेंटीमीटर का फॉरवर्ड करता हूँ। 3 सेंटीमीटर का फॉरवर्ड करने के बाद में ये 8 सेंटीमीटर का मेरा जो है ये देखिए ये मैंने एक मार्क किया ये 8 सेंटीमीटर का और ये मेरा रेडी हो गया। और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ये मैं ये काटने की कटिंग लाइन है मेरी ये कटिंग लाइन आ गई। अब इसके बाद में आप ये देखेंगे कि मैं जो मेरा चेस्ट है तो चेस्ट इसकी मेरी लगभग 44 चेस्ट मेरी जो है इसकी 53 सेंटीमीटर है। 53 सेंटीमीटर रेडी है प्लस सीम अलाउंस। और ये हमारा क्रॉस फ्रंट जो है ये हमारा इसका जो है 40 सेंटीमीटर है प्लस हम यहाँ से सीम अलाउंस इसके अंदर ये डाल देंगे। और ये हमारा ये देखिए कि ये हमारा शोल्डर जो है ये हमारा 15 सेंटीमीटर हमारा अप्रॉक्सीमेट ये हमारा ये सीम अलाउंस आ गया। ये 15 सेंटीमीटर का हमारा शोल्डर जो है ये हमारा रेडी आ गया। इस तरह से हमने इसके नीचे ये देखिए कि हमारा एक ये लाइन है और इससे नीचे 22 सेंटीमीटर नीचे हमने वेस्ट का लाइन एक लगा दिया। और वेस्ट हमारी जो हम इसकी रखने जा रहे हैं वो हमारी 51 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी बॉटम की लाइन है जो हमने बॉटम की लाइन लगाई हुई है ये सर्टल है। और सर्टल हाइट इसका जो है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ से आप ये देखेंगे कि ये हमारा जो है बॉटम जो है बॉटम हमारा इसका 54 सेंटीमीटर हमारा रेडी आएगा। और यहाँ से आप जब ये हमारी लेंथ देखेंगे तो हमारी लेंथ जो है अगर हम ये शोल्डर फोल्ड से देखते हैं तो शोल्डर फोल्ड से ये हमने 3 सेंटीमीटर का शोल्डर फोल्ड लिया। और इस तरीके से हमारी ये 70 सेंटीमीटर हमारी इसकी ये लेंथ है। और प्लस ये हमारा हेम बॉटम हेम हाइट के लिए जो है ये हमने इसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस हमने डाल दिया। इस तरीके से हमारा दोस्तों ये फ्रंट जो है हमारा तैयार हो जाता है। अब आप इसको देखेंगे कि मैं आपके सामने इस फ्रंट को किस प्रकार से अगर बेफिक्र होकर के ये देखिए मैं इसको काट रहा हूँ। इसी तरीके से आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम के प्रति। और आप इसको काट करके इस तरीके से वो निकाल लीजिए। ये देखिए ये यहाँ पर हमने इसको ये काट दिया। इसको काटने के बाद में हम क्या करते हैं कि इस लाइन को भी हम यहाँ से ये काट देते हैं। ये देखिए ये हमने ये काट दिया। ये हमने हल्का सा ये सीम अलाउंस हमने इसके अंदर ये डाल दिया। ये सीम अलाउंस डालने के बाद ये देखिए हमारा जो ये साइड का मार्क है ये हमारा यहाँ से ये हमारा ये कट गया। और इस तरीके से हमारा ये फ्रंट हमारा कट गया जो कि अब ये हमारा प्लेकेट वगैरह। अब यहाँ से आप ये देखते हैं कि हमारा ये जो है यहाँ से हम इसको ये फोल्ड कर दिया हमने। ये हमारा अंदर तो फोल्ड हो गया। ये हमारा जो है ओवरलैप है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 का मतलब ये कि हमारा टोटल 3 सेंटीमीटर का इसके अंदर जो है फोल्ड हो गया ओवरलैप। 3 सेंटीमीटर का हमारा इसके अंदर ओवरलैप है। और ये लीजिए ये हमने इसका नेक
का। इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट जो है ये कट गया। अब फ्रंट कटने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बैक योक और बैक किस तरीके से हमको निकालना है, तो आप ये भी देखेंगे और इसको आप उसी तरीके से काटेंगे और बनाएंगे। हाँ तो दोस्तों अब आप देखिए कि मैं बैग बनाने जा रहा हूँ, तो बैग को मैंने क्या किया कि इस तरीके से कपड़े को मैंने ये फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में मैंने फ्रंट को इस तरीके से ये मेरा फ्रंट है मेरे हाथ में, और ये देखिए आप बैक है ये, इसको इस तरीके से ऐसे रखा, इस तरीके से ओवरलैप को बाहर निकाल करके यहाँ नीचे से हमने ये मिला दिया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इसको यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर नीचे, और हमने यहाँ से ये सीधा इसको काट दिया, और इसी तरीके से हमने यहाँ से ये काट करके ये बराबर से ये इसके बराबर से निकाल दिया। इस तरीके से हमारी ये बैग बन करके तैयार हो गई। अब आ जाइए मैं आपको बताता हूँ इसके बैक योक के बारे में। तो हमारा बैक योक है ये ऑलरेडी मैंने पहले से काट रखा है, जो कि मैं आपको रख करके बताता हूँ कि इसको कैसे हम मिला करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा बैक योक है, ये यहाँ पर हमने ये बैक योक को रखा है। जितना हमारा नेक का वेट है यानी कि हमारा इसका लगभग 15 सेंटीमीटर है, तो हमारा 15 सेंटीमीटर हमने ये नेक वेट यहाँ से ये देखिए हमने 15 सेंटीमीटर रखा। इसके बाद में हमारा जो शोल्डर का नाप है वो हमने शोल्डर का नाप ये हमने 45 सेंटीमीटर यहाँ पर ये रखा। 45 सेंटीमीटर रखने के बाद में इसमें हमने ये सीम अलाउंस अलग से ऐड करके और हमने ये इसको इस तरीके से ये काट दिया। इस तरीके से हमारी ये बैग कंप्लीट हो जाती है। अब आइए मैं आपको आर्म होल के बारे में बताता हूँ। इसका आर्म होल जो है ये हमारा टोटल जो है लगभग 25 हमारा जो है फ्रंट का है, और 24 सेंटीमीटर हमारा जो है वो बैक का है। ऐसे कुल मिला करके हमारा ये 49.5 यानी 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट 50 सेंटीमीटर के आसपास हमारा आर्म होल जो है वो हमारी ये आता है। तो अब मैं आपको यहाँ से इसको हटा करके इसको फोल्ड करके मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। अब मैं आपको बाजू के बारे में बताता हूँ। ये देखिए मैंने बाजू जो है बाजू को मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ये रखा। ये रखने के बाद में कपड़े को मैंने इस तरीके से ये फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पर ये देखिए मैं आपको इसके नाप के बारे में बताता हूँ। इसका नाप मेजरमेंट जो है ये हमारा यहाँ से 21.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये विड्थ जो है 21.5 सेंटीमीटर है ये टोटल हमारा सीम अलाउंस करके। और इसी प्रकार से हमारा जो नीचे स्लीव का बॉटम जहाँ हमारा कफ अटैच होगा करके ये हमने टोटल इसको जो है लगभग 16 सेंटीमीटर हमने इसको लिया है। 16 सेंटीमीटर लेने के बाद में और यहाँ देखिए इसके अंदर हमारा ये छोटा सा एक मार्क लगा हुआ है, ये मार्क है ये देखिए, और हमारा एक मार्क ये है, ये हमारा सीम अलाउंस है और ये हमारा सीम अलाउंस है। यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस दिया है, यहाँ हमने 1.5 सेंटीमीटर का दिया है सीम अलाउंस, और हमने इसमें 6 सेंटीमीटर का हमने इसके अंदर कफ लगाया। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पर जब ये इसको रखेंगे तो ये हमारा 58.5 सेंटीमीटर हमारा स्लीव लेंथ है इसका। इसको ये एक बहुत स्मॉल कद के हाइट के आदमी का है, तो इसमें हमने 58.5 सेंटीमीटर हमने इसका स्लीव लेंथ जो है ये रखा है कि जो उसके अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट है। और यहाँ से जब आप ये देखेंगे तो इस तरीके से हमने इसको जब ये मेजर किया ये हमारा 25.5 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर, और वहाँ हमारा जो है ये 25.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर जो है हमारा वो एक इंच के लिए होता है, उसके लिए उसमें ये चला जाता है। ऐसे हमारी ये बाजू जो है निकल जाती है, हम बना लेते हैं। और यहाँ से ये आप देखेंगे कि ये हमारा फ्रंट का लाइन जो है ये हमारा बैक में और फ्रंट में यहाँ पर जो है ये हमारा फ्रंट में ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर का डिफ्रेंस होता है, वो हमने 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर ये रख करके और हमने इस तरीके से बाजू को ये निकाल दिया। अब आप आ जाइए ये देखिए कि ये हमने इसके अंदर एक स्लिप का स्लिप जो जिसको स्लिप प्लेकेट बोलते हैं ये हमने यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ हमारा जिस तरीके से हम इसका ताबीज बनाना चाहें वैसे हम चाहे ऐसा चाहें। तो दोस्तों ये हमारा जो है स्लिप प्लेकेट है, ये स्लिप प्लेकेट
बनने के बाद में ये हमारा स्लीव जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। अब आइए मैं आपको इसके दूसरे जो कॉलर वगैरह है और आपका कफ वगैरह जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये हमारा जो है ये हमारा इसका भी का राइट साइड है, तो आई थिंक ये हमारा जो है ये स्लीव प्लेकेट है। और ये हमारा ये देखिए कि हमने एक पॉकेट बनाया है, तो इसके ऊपर हम पॉकेट को इस तरीके से मैं आपको एक पैच करके इसके ऊपर बताता हूँ कि ये पैच कैसे किया जाएगा। तो ये देखिए कि ये हमने इसको अब मैं यहाँ बैक इसका ये हटा देता हूँ। ये बैक हटाने के बाद में मैं इसको क्या करता हूँ कि इसका राइट साइड ले लेता हूँ। ये मेरा राइट साइड आ गया, ये इस तरीके से मेरा फैब्रिक का राइट साइड हो गया। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर ये इसको ये फोल्ड कर देता हूँ। ये फोल्ड करने के बाद में अब आप ये देखेंगे कि ये मेरा पॉकेट जो है ये यहाँ पर हमारा इस तरीके से पैच हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से मेरा ये पॉकेट यहाँ पर पैच हो जाएगा। तो ये मेरा फ्रंट रेडी हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद में मैं आपको इसके कफ वगैरह और कॉलर वगैरह के बारे में बताता हूँ। ये देखिए कि ये मेरा फैब्रिक है जो कि कॉलर का है, और कॉलर और बैंड जो है ये मैं इस तरीके से जैसे कि मेरे ये पैटर्न्स हैं मैं इनको क्या करूँगा कि इस तरीके से ऐसे यहाँ पर ये रख करके इसको काट दूँगा। लेकिन ये उसी टाइम काटूँगा जिस टाइम ये ऑपरेटर के पास में जाएगा, तो ये इसको क्या करेगा कि ऐसे काट करके यहाँ और इस तरीके से ऐसे ये रख करके यहाँ पर ये कॉलर काट लेगा। इसी तरीके से ये कॉलर स्टैंड जो है यहाँ पर ऐसे ये कॉलर स्टैंड रख करके इसको ये कॉलर स्टैंड यहाँ पर ये काट लेगा। तो इस तरीके से हमारी ये शर्ट जो है ये बन करके तैयार हो जाएगी और ये एक बहुत अच्छी कैजुअल शर्ट बन करके आएगी, जिसे आप जब ऐसा कुछ करेंगे आप बनाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी ये शर्ट बन करके। तो जब ये बन करके शर्ट आएगी मेरे पास में तो मैं इसका आप लोगों को फोटो जो है एक ज़रूर अपलोड करके बताऊंगा और आप देखिएगा कि ये शर्ट आपको कैसी लगती है, जो कि मैं इसी वीडियो से दोबारा से इसको इसके साथ में अटैच करवा दूँगा। धन्यवाद।